हेलो दोस्तों, सहोस सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन एंगुलर फाइव। दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं एंगुलर फाइव के अंदर, कि मीन्स कि हम किसी सर्विस को कैसे इंजेक्ट करते हैं अपने किसी कंपोनेंट पर, कैसे अपने एप्लीकेशन में, और उसको कैसे यूज करते हैं। सारे हम स्टेप बाय स्टेप पहले थ्योरेटिकल देखेंगे, उसके बाद हम उसको एग्जाम्पल करके प्रोजेक्ट कर बना कर देखेंगे कि हम उसको कैसे यूज करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन को। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म में बात करें तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक टेक्निक होता है जो कि हमारे एक ऑब्जेक्ट को सप्लाई करता है और दूसरा जो है उसको एक्सेप्ट करता है, राइट। मतलब कि दोस्तों, अगर हमारे कोई डिपेंडेंसी है, अगर हमारा कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंसी बन जाता है, राइट। मतलब कि हमारा एक सर्विस बना हुआ है और दूसरा सर्विस हमें, दूसरा हमारा कोई कंपोनेंट है या कोई क्लास है उसको यूज करना चाह रहा है, तो वहाँ पे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करते हैं। मीन्स कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस है जो कि हमारे सर्विस को कंपोनेंट से कम्युनिकेट कराता है, जिसमें हम रजिस्टर करते हैं और वो हमारा क्लास जो कंपोनेंट होता है उसको यूज कर लेता है, राइट। इस एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इट इज ए कोडिंग पैटर्न इन विच क्लास रिसीव दियर डिपेंडेंसीज फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज, राइट। सोर्सेज मीन्स कि अगर दोस्तों हमें ऐसा कोई है कि हमें अपने एप्लीकेशन में कोई कोड ना करना चाहते हैं और दूसरा कोई सोर्स है, वहां से उस सोर्स से हम उसको अपने एप्लीकेशन में रिसीव करके उसको यूज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज करते हैं। उसके थ्रू उस सर्विस को हम अपने एप्लीकेशन में इंजेक्ट कर लेते हैं, राइट। द एन इंजेक्शन इज द पासिंग ऑफ डिपेंडेंसी। जैसा कि मैंने बताया कि इंजेक्शन क्या करता है कि डिपेंडेंसी को पास करता है एज ए डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। जो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट जिसको बोल रहे हैं हम, उसको क्लाइंट को बोल रहे हैं, राइट। मतलब कि एक सर्विस है और उस सर्विस को हम, अगर हमारा क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लाइंट उसको यूज करना चाहता है, तो वहां पर हम इंजेक्शन यूज करते हैं, राइट। मतलब कि डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इसका हम देख लेते हैं कि जैसे एक एज एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अगर अगर ए हमारा एप्लीकेशन है और बी मॉड्यूल में उसको नीड है उसकी, राइट। मतलब कि व्हेन मॉड्यूल ए इन एप्लीकेशन नीड्स मॉड्यूल बी, मतलब कि ए को बी की रिक्वायरमेंट है, देन बी जो डिपेंडेंसी हो गया, मतलब कि ए के लिए जो बी क्या है डिपेंडेंसी हो गया, राइट। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए जो है इसको बी की रिक्वायरमेंट है, तो ए के लिए जो बी हो गया ये डिपेंडेंसी हो गया, और यहाँ पर हम जब इसको यूज करेंगे एंगुलर फाइव के अंदर, तो वही होता है इंजेक्शन। मीन्स कि इस डिपेंडेंसी को, जो ब्लैक कलर को हमने दिखा रखा है, ये डिपेंडेंसी है और ये हमारा इंजेक्शन, यही अब पास कर रहा है किसके अंदर, एंगुलर फाइव के अंदर। मतलब इस फोटो से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि अगर ए को बी के रिक्वायरमेंट है तो बी एज ए डिपेंडेंसी हो गया ए के लिए, और ये हमारा जो तीर का निशान है वो इंजेक्शन है जो उसको यूज करने के लिए पास कर रहा है, राइट। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के टर्म्स को, तो दो होता है इसमें, आप देख रहे हैं कि एक डिपेंडेंसी हो गया और एक इंजेक्शन हो गया। तो डिपेंडेंसी क्या होता है दोस्तों, कि डिपेंडेंसी एज आप उसको बोल सकते हैं कोई सर्विस है, डिपेंडेंसी इज एन ऑब्जेक्ट और सर्विस डेट कैन बी यूज इन एनी अदर ऑब्जेक्ट। मतलब कि डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि एक प्रकार का सर्विस बनाया हुआ है। दोस्तों, आप अगर रीयूजबिलिटी आप जानते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के केस आते हैं कि हम एक तरह एक जगह पर हम बहुत ऐसा कोड बना कर रख लिए हैं जो कि हमारे सारे कंपोनेंट में, आप बहुत सारे मल्टीपल कंपोनेंट्स में उसको यूज करना है, तो हम एक जगह हमने सर्विस बना कर रख लिया और मल्टीपल जगह हम उसको यूज कर रहे हैं, तो वही डिपेंडेंसी हो गया, वो सर्विस को ही डिपेंडेंसी है। और इंजेक्शन हम बोलते हैं कि एक प्रोसेस है जो कि डिपेंडेंसी को उस डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट में पास करता है, राइट। ये क्या करता क्या है कि एक इंस्टांस क्रिएट कर देता है और इंस्टांस को हम यूज कर लेते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर, राइट है। तो यहाँ पर देखते हैं आप दोस्तों कि डी आई मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिस्टम इन एंगुलर फाइव बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट एसेप्ट। तीन तरह के इंपॉर्टेंट एसेप्ट होते हैं जिसको हम बारी बारी से देख लेते हैं। एक होता है इंजेक्टर, दूसरा होता है प्रोवाइडर और अगला होता है डिपेंडेंसी। यही तीनों चीज मिलाकर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को आइडेंटिफाई करता है। तो आप हम अब देख लेते हैं इंजेक्टर क्या होता है। दोस्तों, द इंजेक्टर ऑब्जेक्ट इज यूज टू क्रिएट एन इंस्टांस ऑफ ए डिपेंडेंसी। मतलब इंजेक्टर करता है क्या है कि डिपेंडेंसी जो सर्विस है उसके इंस्टांस को क्रिएट करता है, राइट।
मतलब कि वो एक मैकेनिज्म है, एक मेथड को यूज करता है, जो क्योंकि मेथड उसके इंस्टांस को क्रिएट करता है, और जैसे ही इंस्टांस क्रिएट हो जाता है तो वो प्रोवाइडर को ढूंढता है, कि जो कि प्रोवाइडर क्या होता है कि एक मैकेनिज्म है जो हमारे कंपोनेंट के अंदर उस डिपेंडेंसी इंजेक्शन को रजिस्टर कर देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने लिख रखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि यह पूछे जाते हैं कि प्रोवाइडर ये मैकेनिज्म यूजिंग विच वी रजिस्टर आवर डिपेंडेंसी टू बी इंजेक्टेड। मतलब कि प्रोवाइडर करता क्या है कि जो हमारा डिपेंडेंसी है उसके इंस्टांस को या उसको हमारे कंपोनेंट के अंदर रजिस्टर कर देता है, राइट। ये भी दो लेवल का होता है दोस्तों, एक तो होता है ऐप लेवल और दूसरा होता है कंपोनेंट लेवल, तो उसको भी देख लेते हैं। पहला जो ऐप लेवल होता है दोस्तों, कि एनजी मॉड्यूल के अंदर आप एनजी जो आपका ऐप डॉट मॉड्यूल और टीएस फाइल बनता है, जो कि एप्लीकेशन का एक अकेला फाइल होता है, जो रूट फाइल होता है, उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पर जो एनजी मॉड्यूल होता है, जो कि बहुत सारे पैरामीटर सेट करता है, उसमें डिक्लेरेशन होता है, इम्पोर्ट्स होता है, और यहीं पर प्रोवाइडर और बूटस्ट्रैप होता है, राइट। तो इस प्रोवाइडर में अगर हम उस सर्विस को रजिस्टर करते हैं तो ये होता है ऐप लेवल रजिस्टर। तो अगर हम यहाँ पर उस सर्विस को रजिस्टर कर देते हैं तो हमें बाकी जगह किसी भी कंपोनेंट पर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती, यहीं पर हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर रजिस्टर करते हैं, और बाकी किसी भी कंपोनेंट में हम डायरेक्टली बेहिचक उसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों होता है एक कंपोनेंट लेवल, मीन्स कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो सर्विस है हर कंपोनेंट पर रजिस्टर करें, तो वहाँ पर आप देखते हैं कंपोनेंट में सिलेक्टर होता है, टेम्पलेट यूआरएल होता है, स्टाइल यूआरएल होता है, वहीं पर आप प्रोवाइडर्स लिखकर उस सर्विस का नेम रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये होता है कंपोनेंट लेवल, मीन्स कि दोस्तों अगर कंपोनेंट लेवल पर रजिस्टर करते हैं तो हर कंपोनेंट में, जिस कंपोनेंट में उस सर्विस को यूज करना हो, तो वहाँ पर आपको इसको रजिस्टर करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। और लास्ट जो होता है दोस्तों डिपेंडेंसी, मीन्स कि डिपेंडेंसी जो होता है एक सर्विस होता है, द डिपेंडेंसी डेट वी आर इंजेक्टिंग इन ए कंस्ट्रक्टर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास डेट वी वांट टू यूज। मीन्स कि डिपेंडेंसी को ही हम कंस्ट्रक्टर के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं और उसके वेरिएबल बनाते हैं, इंजेक्ट मतलब कि उसका हम वेरिएबल बना रहे हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, राइट, और उसको हम यूज करते हैं अपने कंपोनेंट में, उस सर्विस के मेथड्स को, वैल्यू को हम अपने कंपोनेंट में यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि इसको हम कैसे कोडिंग करते हैं और कैसे लिखते हैं और इसका क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा प्रोजेक्ट, इस पर हम काम कर रहे हैं। पिछले वीडियो में जैसे आपके हमने इसमें सर्विस बनाकर दिखाया था कि सर्विस कैसे यूज करते हैं, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लें कि सर्विस क्या होता है, राइट। उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे जो एरे टाइप का होगा। तो यहाँ पर मान लो दोस्तों हम ले लिया डिपार्टमेंट ही ले लेते हैं, डीपीटी ले लिया, राइट। इसको हमने एनी टाइप बना लिया और इसको एज ए एरे डिक्लेयर कर लिया, राइट। तो अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम इसको हम क्लास के अंदर रख लेते हैं, क्लास के अंदर हमने रख लिया, राइट। और कंस्ट्रक्टर के अंदर इसके अंदर हम वैल्यू असाइन कर लेंगे, राइट। तो हम करेंगे क्या कि डीपीटी इक्वल टू यहाँ पर हम देंगे और इसमें वैल्यू हम असाइन कर देंगे, आईडी में हम डाल देंगे 1, यहाँ पर नेम में हम डाल देंगे, कुछ भी डाल सकते हैं, अकाउंट जो कि हमारे डिपार्टमेंट का नेम होगा, यहाँ पर हम और यहाँ पर हम दूसरा बना लेंगे आईडी, इसमें हमने डाल दिया 2, उसके बाद हमने नेम कर दिया एडमिन। इसी तरीके से आप जितना अकाउंट आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते, बेसिकली हम यहाँ पर मेंबर बना रहे हैं अपने, इस लिस्ट बना रहे हैं अपने इस एरे का, और यहाँ पर हमने लिख दिया आईडी 3,
नेम कर दिया हमने, यहाँ पर डाल दिया स्टाफ, राइट। अब दोस्तों ये क्या किया हमने कि ये सर्विस के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया एरर टाइप का, उसमें हमने कुछ लिस्टिंग कर दिया कुछ डिपार्टमेंट्स के नेम, और हम ये चाहते हैं कि सर्विस को जो कि हमारी एक्सपोर्ट क्लास जो है सर्विस है, इसको हम यूज करें अपने किसी कंपोनेंट पर, राइट। तो ये एक कंपोनेंट में चलते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका हमने पिछले में यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा था, इसको इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पर इंजेक्ट कर लिया हमने इसको, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट सर्विस और ये सर्विसेज को इंजेक्ट किया, यही इंजेक्शन होता है दोस्तों। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम वेरिएबल बनाते हैं तो इसी को इंजेक्ट करना बोलते हैं, राइट। यहाँ पर इंजेक्ट कर लिया, उसके बाद इस मेथड के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। पहले हमने एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले डीपीटी डीपीटी ऑब्जेक्ट कर लिया, डीपीटी ओबीजे, और इसको हमने एनी कर लिया, ये वेरिएबल टाइप ले लिया एरे टाइप। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर, वो क्लास के अंदर होगा, हमने यहाँ पर लिख लिया, इसको क्लास के अंदर लिखेंगे, राइट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, दिस डॉट ओबीजे जो डीपीटी ऑब्जेक्ट बनाया हमने, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि दिस डॉट सर्विस जो कि हमने यहाँ पे जो सर्विस का वेरिएबल बना रखा है उसका डॉट डीपीटी जो हमने वहाँ पर ले रखा है, जो हमने सर्विस के अंदर बना रखा है डीपीटी, राइट, इसको हमने यहाँ पर असाइन कर दिया, राइट। मीन्स कि अब ये हमें जो ये सर्विस का जो डीपीटी ऑब्जेक्ट बन गया इसमें सारा वैल्यू आ गया, राइट। अब इसको हमें डिस्प्ले करा लेंगे अपने पेज पर, ये होता है कि मतलब कि ये जो सर्विस यहाँ पर बना हुआ है ये सर्विस है, इसको हमने कहाँ इंजेक्ट कर लिया, अपने ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस फाइल पर, और इसको हमने अब जब यहाँ पर इंजेक्ट कर लिया था इसका सारा वैल्यू तो इसमें डी पी टी ऑब्जेक्ट में आ गया, तो इसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हमने डिव लिया यहाँ पर, फिर हम टेबल हमने ले लिया, इसके अंदर हम एक टी आर ले लेते हैं और टी आर में हम एक फॉर लूप लगा लेते हैं, राइट, स्टार एन जी फॉर इक्वल टू यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट ओ बी जे ऑफ डी ई पी टी ओ बी जे, राइट। अब यहाँ पर हम टी डी ले सकते हैं, टी डी में हमने ले लिया आई डी और यहाँ पर इंटरपोलेशन के थ्रू हम इसको बाइंड कर लेंगे ओ बी जे डॉट आई डी, राइट। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे नेम, जो जो वैल्यू है वहाँ पर नेम ले लिया हमने और यहाँ पर हम डाल लेंगे नेम, राइट। मीन्स कि दोस्तों हमने क्या किया, सर्विस बनाया, सर्विस को हमने डॉट कॉम्पोनेंट में डॉट टी एस में इंजेक्ट कर लिया, उसके वेरिएबल बना लिया, उसको हम कहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, एप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल पर। तो जैसे ही ये सेव करेंगे तो हमारा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, सारे फाइल को पहले हमें सेव करना होता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर बिंदी टाइप का आ रहा है तो मीन्स के अनसेव्ड फाइल है, इसको आपको सेव करना होगा, राइट। यहाँ पर कुछ एरर शो कर रहा है, मीन्स सर्विस फाइल में कुछ यहाँ पर हम देखना होगा दोस्तों, यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है कि सर्विस में अनयूज्ड लेवल। यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हम डाटा साइन कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, दिस डॉट और यहाँ पर इक्वल टू कर लेंगे, राइट। तो ये हमारा एरर खत्म हो जाएगा, अब सेव करेंगे, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको हम ब्राउजर में देख सकते हैं कि क्या डेटा शो कर रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डेटा आ चुका है, आई डी वन नेम अकाउंट, आई डी टू नेम एडमिन, आई डी थ्री नेम स्टाफ। कि मीन्स कि दोस्तों हमारा जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वर्क कर रहा है, आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे हमने यूज किया, सर्विस के अंदर हमने सर्विस बनाया
उसको हमने यहाँ पर इंजेक्ट किया कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल में और उसको हमने यहाँ पर डिस्प्ले करा लिया। तो ये होता है दोस्तों कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें जरूर शेयर करें, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम आपको इस कन्फ्यूजन से दूर रखें। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू सो मच।